सभी छात्रों के लिए नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने हमारे देश को एक गति प्रदान की, जो हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो देशभक्त होने के साथ साथ ही देश के निर्माण में, देश की संस्कृति और देश की सभ्यता के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। पर ये संस्कृति और सभ्यता और उसका निर्माण, ये सब क्या है? आप जानते हैं कि किसी किसी का बोलना, उठना, बैठना, व्यवहार अच्छा होता है, किसी किसी का थोड़ा कम अच्छा होता है। तो यही सब सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आता है। अन्य देशों में अलग तरीके का बोलना, उठना, बैठना, धर्म, नैतिकता, अध्यात्म होता है, किसी और देश में अलग तरीके का होता है। कोई देश आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है तो कोई देश भौतिक सुख सुविधाओं से उन्नति करता है, तो कोई देश आडंबरों से उन्नति करता है। हमारे भारत देश में औद्योगिक क्रांति तो हुई, साथ में ही धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक रूप से भी सब श्रेष्ठ और समृद्धशाली देश हमारा भारत देश है। धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, दार्शनिक रूप से आध्यात्मिक समृद्ध बनाने के लिए इस देश में कई महापुरुषों का योगदान है। उन महापुरुषों में मुझे आप ये बताइए, कौन कौन से वो महापुरुष हैं जिनके नाम आपने सुने हैं और आपको लगता है कि इनके कारण हमारा देश आज सर्वश्रेष्ठ है, दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और अन्य रूपों से भी। तो आप देखेंगे उनमें नाम स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, भगवान महावीर, बुद्ध भगवान और तमाम तरीके की रचनाओं में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, अलग अलग लोगों का योगदान अलग अलग तरीके से। किसी का अपनी जीवन शैली से योगदान है तो किसी का अपनी रचनाओं से योगदान है, तो किसी का राजनीतिक रूप से योगदान है जैसे चाणक्य हैं, है ना, या फिर किसी का स्वावलंबन सिखाने की रूप से योगदान है जैसे महात्मा गांधी। तो किसी भी देश या फिर भारत देश की संस्कृति के निर्माण में, भारत देश के निर्माण में उन्नत रूप से सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने में कई महापुरुषों का योगदान है। उन महापुरुषों में एक महापुरुष हैं महर्षि दयानंद, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 का ये पाठ है, अध्याय 3, संस्कृति के निर्माण में, अर्थात रहन सहन, खान पान, चिकित्सा पद्धति, बोलचाल, समस्त प्रकार से उन्नत और परिष्कृत जो जीवन शैली है वो होती है संस्कृति। तो हमारे देश की संस्कृति हुई भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया उन महापुरुषों में से एक है महर्षि दयानंद। मैंने पहले ही कहा था तमाम महापुरुष हैं, उनमें से एक ये हैं। मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं, कुछ महापुरुष आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या कॉपी में लिखें जिनको सुन के आपको लगता है कि इनका योगदान भारत की संस्कृति के निर्माण में रहा है। रानी लक्ष्मीबाई भी हो सकती हैं, या आदिशंकर भी हो सकते हैं, आदिश्वर भी हो सकते हैं। आपको जो मन में आए कि नहीं, इनके कारण से मैं प्रभावित हूं, या इनका जीवन शैली पढ़ करके या सुन करके मुझे लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना चाहिए, आप कमेंट में बताएं या कॉपी में लिखें, या अपने घर में ये चर्चा जरूर करें। पर एक महापुरुष के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। तो आप देखेंगे हेडिंग में लिखा हुआ शीर्षक में महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। आप जानते हैं जिनका एक प्रसिद्ध वाक्य है हिंदी में, वेदों की ओर लौटो। तो ऐसे कई कार्य उन्होंने किए हुए हैं, तो आइए आज उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अध्याय 3 की प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है महर्षि दयानंदस्य, ठीक है। अब आप देखेंगे महर्षि दयानंदस्य, यहां पर अगर विभक्ति की अपेक्षा से देखें तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और दयानंदस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अर्थात महर्षि दयानंद का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या अर्थ होता है? का की के। आपने राम के रूप नवी कक्षा में याद किए होंगे, है ना। तो ये जब भी आधा सा और या अंत में आए तो चांस क्या होते हैं? षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है का। तो महर्षि दयानंद का संस्कृत में एक और खासियत है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी षष्ठी विभक्ति है तो अर्थ निकलेगा महर्षि के दयानंद का, ऐसा कुछ? एक खासियत है, जैसे दयानंद शब्द का या दयानंद नाम का जो विशेषण है, तो जो विभक्ति नाम में रहेगी विशेषण में भी वही विभक्ति रहेगी, अर्थात दयानंद एक नाम है और हमें बोलना है दयानंद का, पर दयानंद का हमें विशेषण भी बताना है कि महर्षि।
तो जो विशेषण रहेगा उसमें भी नाम वाली ही विभक्ति लगेगी, इस अपेक्षा से यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ जब हम करेंगे तो अर्थ होगा महर्षि दयानंद का, ठीक है। फिर आया क्या, जन्म। तो महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेशे, गुर्जर प्राचीन काल में गुर्जर प्रदेश एक नाम था। आप मुझे कमेंट में बताएं, अपने शिक्षकों से पूछने का काम करें कि गुर्जर से मतलब वर्तमान में कौन सा प्रदेश है वो, ठीक है। तो महर्षि दयानंद से जन्म, महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश से, गुर्जर प्रदेश से। अब यहां पर आप देखेंगे राम की अपेक्षा से चलेंगे रूप में तो कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। तो महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश से अर्थात गुजरात, सॉरी गुर्जर प्रदेश से अर्थात गुर्जर प्रदेश सप्तमी अर्थात में ब्राह्मण परिवार, इसको लोग कई बार आप लोग या कुछ लोग गलत पढ़ देते हैं, ब्राह्मण ऐसा पढ़ना है। तो गुर्जर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार, ये जुड़ा हुआ है पूरा शब्द है ना, ब्राह्मण के परिवार, परिवार में भी कौन सी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो परिवार में सप्तमी अर्थ निकलता है मैं। तो महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। ब्राह्मण परिवार की विशेषता क्या है कि वो गुर्जर प्रदेश का था, किसी और प्रदेश का नहीं था, कहां का था, गुर्जर प्रदेश का, इसलिए इसमें भी सप्तमी आई। तो गुर्जर प्रदेश से ब्राह्मण परिवार, फरवरी मासे, जब भी समय बताया जाए कि कौन से समय में, तो समय में भी सप्तमी विभक्ति आती है। तो यहां पर भी वही हाल है, फरवरी महीने में सप्तमी विभक्ति एक वचन, और कब, फरवरी माह में तो हुआ पर कब, तो लिखा द्वादश। ये द्वादश मतलब क्या है मैं आपको यहां बता दूं, द्वा मतलब दो और दस मतलब बारह, दस मतलब दस, सॉरी, तो दो और दस जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बारह, तो द्वादश मतलब क्या हो गया बारह। तो दयानंद जी का जन्म फरवरी मास के द्वादश अर्थात बारह दिनांक के सप्तमी विभक्ति दिनांक में, बारह तारीख में, और कब, तो लिखा चतुर, ये देखो ये जो रा है, हमेशा रा जिस शब्द के ऊपर रा की रेप हो ना, जिस अक्षर के ऊपर, उसके तुरंत पहले बोला जाता है। तो क्या लिखा चतु, हमको चतु दिख रहा है पर इसके बाद में जो भी है उसके ऊपर रा की रेप है, तो इसको यहां पर बोला जाएगा, तो चतुर बोलेंगे। तो फरवरी मासे द्वादश दिनांक के चतुर्विंशतितराष्टादश शततमे, इसको मैं तोड़ देता हूं फिर आपको बोलने में आराम होगा, सहजता होगी। क्या लिखा पहले, तो चतुर्विंशति, तो एक शब्द है ये मैं लिखा चतुर्विंशति, ठीक है। अब चतुर मतलब चार और विंशति मतलब बीस, तो बीस चार और बीस बराबर कितना हो गया चौबीस। फिर आगे एक शब्द है उत्तर, आपने यण संधि पढ़ी होगी, यण संधि में पहले शब्द के अंत में ई उ री हो तो उसको क्रमशः या आधा आधा या आधावा आधारा बनाते हैं। तो यहां पर चतुर्विंशति का जो ई है, इन्होंने ई ले लिया और ई का क्या बना दिया, ई ले लिया तो आधा बचा, और ई का क्या बना दिया या बना दिया, आधे या में उत्तर का ऊ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर यहां से जाएगा और यहां पर ये बन गया यू। तो ऐसे ही लिखा हुआ है चतुर्विंशतितर, ठीक है। फिर आगे था अष्टा दस, ठीक है, अष्टादश, तो उत्तर मतलब ज्यादा और फिर लिखा अष्टादश, तो अष्टा में आठ और दस मतलब दस, बराबर कितना हो गया अठारह, ठीक है। फिर आगे लिखा है सत, सत मतलब क्या होता है सौ, ठीक है। तो चतुर्विंशति अर्थात चार और बीस अर्थात चौबीस, ये बीस लिखना है यहां पर, ठीक है, बराबर 24। फिर उत्तर लिखा, उत्तर का हिंदी में मतलब होता है ज्यादा, तो 24 ज्यादा, कितने में 24 ज्यादा, तो लिखा अष्टादश सत, तो अष्टादश, ये तो हो गया टोटल 18 और 10 100 मतलब 100, तो इंटू 100 किया हमने, बराबर कितना हो गया 1800। तो 1800 में उत्तर मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा 20 और 4 24, उल्टा चलता है संस्कृत में गिनती का सिस्टम। सत मतलब सौ, कितने सौ, तो बोले दस और आठ अठारह सौ, ठीक है। फिर लिखा उत्तर, उत्तर मतलब ज्यादा, अठारह सौ में ज्यादा, कितना ज्यादा
बिनसती और चतुर, 20 और 4 अर्थात 24 ज्यादा, तो संख्या क्या निकली 1824, ये संख्या निकली। तो 1824 ये अर्थ हुआ इसका, किसका, चतुर्विंशत्युत्तरादश उत्तराष्टादश सप्तमे, इसका एक बार मैं फिर इसको बोलूंगा, चतुर्विंशत्युत्तराष्टादश सप्तमे, देखो सप्तमी फिर आ गई, यहां पर तमी लगा देते हैं मैं के अर्थ में, सत मतलब 100, अष्टादश मतलब 18, उत्तर मतलब ज्यादा, 1800 में कितना जाता है, चतुर्विंशति अर्थात 24, तो हो गया 1824, तो ये तो हो गया सन, ये लिखा 1824, पर महीना कौन सा, दो, दूसरा मतलब फरवरी माह, ठीक है, और 12 द्वादश दिनांक अर्थात 12 तारीख, ठीक है, तो फरवरी महीने की 12 तारीख 1824 ईस्वीय वर्षे, मतलब ईस्वी वर्षे, वर्षे सप्तमी व्यक्ति अर्थात वर्ष में अभवत, आपने लंग लकार पढ़ा होगा, आपके लिए नवमी में 5 लकार पढ़ाए गए थे, तो उसमें अभवत मतलब हुआ, लंग लकार किसका क्या हुआ, तो महर्षि दयानंद से जन्म, महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश है ब्राह्मण परिवार है, और फरवरी माह से द्वादश दिनांक चतुर्विंशत्युत्तरादश सप्तमे वर्षे अभवत, ठीक है। आगे आया अस्य, अस में हो गई षष्ठी विभक्ति, पुनः पुनः बार बार नाम ना लिखना हो इसलिए इन्होंने लिख दिया अस्य मतलब इनका, अस्य मतलब इनका जन्म नाम अर्थात जन्म का नाम, अस्य जन्म नाम मूल संकर, मूल संकर मतलब मूल संकर, इनके जन्म का नाम क्या था, मूल संकर, आसीत, आसीत मतलब था, अस धातु से आसीत बना, तो इनके जन्म का नाम क्या था, मूल संकर था। फिर यहां लिखा यदा मतलब जब, हिंदी में यदा मतलब क्या होता है, जब ऐसा, ऐसा मतलब यह है, जब यह सोडस, सोडस मतलब 16 वर्षीय मतलब वर्ष के, जब यह 16 वर्ष के जाता, जाता मतलब किता प्रत्यय से बना हुए, जाता मतलब हो गए, जब यह यदा ऐसा मतलब यह, यह मतलब कौन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, दयानंद जी के, तो यदा ऐसा मतलब यह है, 16 वर्षीय जाता 16 वर्ष के हुए, तदा तब अस्य भागिनी, अस्य मतलब इनकी, मतलब दयानंद जी की, इनकी भगिनी मतलब बहन, स्वर्गम गता, स्वर्गम गता ये लिखा हुआ है, स्वर्गम गता मतलब किसी आदमी का स्वर्ग जाना मतलब क्या होता है, स्वर्ग जाना मतलब उसने मनुष्य भाव के या मानव जाति का शरीर त्याग दिया है, और कहां चला गया, वो स्वर्ग चला गया, इसे बोलते हैं स्वर्ग जाना। देखो जो बुरा काम करता है वो नरक जाता है, जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाता है, ऐसी मान्यता भारतीय संस्कृति में है। तो स्वर्गम गता, नॉर्मली सामान्यतया कोई बुरा हो काम करे चाहे अच्छा काम करे, उसको क्या बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। ये संस्कृति की खूबी है कि हम मरने के बाद लोगों की बुराई के बारे में बात ना करके ये कहते हैं कि भाई उसको भी स्वर्ग नसीब हो, वो भी अच्छा बने मरने के बाद भी। तो ये संस्कृति की पराकाष्ठा है, खासियत है। तो भगनी स्वर्गंगता, स्वर्ग गई, किनकी भगनी, दयानंद जी की। कई कई बार आपको अगर मैं ये बोलूं कि उनकी भगनी मर गई, बहन मर गई, तो आपको लग, मर गई, बड़ा बेकार सा शब्द लग रहा है, मौत हो गई, और हम ये कहें वो स्वर्ग चली गई, तो क्या कहेंगे आप, आपको, आप जानते हैं कि मरना और स्वर्ग जाना एक ही बात है, पर हम बोले स्वर्ग जाना तो अरे क्या बात है, स्वर्ग गई है क्या। तो वो खासियत, बोलने की खासियत, बोलने का तरीका, जीवन शैली, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, और वो हमें इस पाठ में देखने को मिल रही है। तो क्या लिखा, स्वर्गंगता, भगनी स्वर्गंगता, कब गई वो स्वर्ग, जब ये 16 वर्ष के थे, ठीक है ना, और वर्षत्रयांतरम, और 3 वर्ष बाद, मतलब जब ये 16 वर्ष के थे तो कौन स्वर्ग गया, भगनी गई, और वर्षत्रयांतरम मतलब 3 वर्ष बाद, टोटल कितना हो गया, 16 और 3 19, तो 19 वर्ष के जब हुए, वर्षत्रयांतरम अर्थात वर्ष त्रय धन अंतरम अर्थात 3 वर्ष के अंतर से, मतलब 16 वर्ष में भगनी स्वर्ग गई और 3 वर्ष हुए, और उसके बाद चास्य, यहां पर वर्ष त्रय धन अंतरम दीर्घ संधि कर दी, जैसे दीर्घ संधि यहां पर बता देता हूं मैं, चा
धन अस्य बराबर क्या बन गया, चास्य। ठीक है, बराबर ये चास्य बन गया। तो चा मतलब और, अस्य मतलब इनकी। तो तीन वर्ष बाद और इनकी पितृव्योपि, यहां पर आपने संधि पढ़ी होगी, पूर्व रूप संधि होती है, शब्द है पितृव्यः, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं पितृव्यः। पितृव्यः मतलब क्या होता है, चाचा। आपने कभी अपने पापा के छोटे भाई को पितृव्यः बोला? चाचा लोग बोलते हैं, काका लोग बोल देते हैं, अंकल बोलते हैं, पर कभी पितृव्यः बोल के देखना कैसा लगता है उनको, आसपास के लोग क्या सोचते हैं। तो पितृव्यः, पितृव्यः ये शब्द था, परंतु आगे शब्द है अपि, तो अपि होने के कारण से, लघु आ होने के कारण से यहां पर पूर्व रूप संधि हो गई थी, ये शब्द क्या बन गया, पितृव्योपि। तो इनके पिता अपि मतलब भी, किनके पिता, सॉरी पितृव्यः मतलब पिता नहीं था, पितृव्यः मतलब चाचा। तो तीन वर्ष के बाद इनके चाचा भी दिवं गतः, दिवं मतलब क्या होता है आपने सुना है, दिवंगत, वो दिवंगत हो गए, हिंदी में बोलते हैं हम लोग वही दिवं। दिवं मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग के कई नाम हैं, स्वर्ग कहो, नाकह कहो, या फिर दिवाह कहो, कुछ लोग बैकुंठ भी बोल देते हैं। तो स्वर्ग कहो या दिवंगत कहो, स्वर्गंगतः, यहां दिवंगतः लिख दिया, मतलब पितृभ्यः अपि चाचा भी, दिवं मतलब स्वर्ग को, द्वितीय विभक्ति है यहां पर, और द्वितीय विभक्ति में अर्थ निकलता है को, द्वितीय विभक्ति में अर्थ क्या निकलेगा, को। तो दिवंग मतलब स्वर्ग को, गतः मतलब गए, हो गए, काम हो गया। जब भी आपको किसी क्रिया में तह अंत में देखने को मिले किताह प्रत्यय वाला, तो आप समझिए कि वो काम हो गया है, तो वो भी स्वर्ग चले गए। ठीक है, अब जब भाई भगनी भी स्वर्ग चली गई और उनके चाचा भी स्वर्ग चले गए, तो घर में माहौल कैसा होगा। तो ग्रहे, यहां पर सप्तमी विभक्ति है, ग्रहे अन्येषु जनेषु अयम, घर में, ठीक है, उनके घर में, अन्येषु जनेषु अन्य लोगों में, अयम संसारस्य अनित्यतां विचारयन, मतलब जब घर में चाचा की मृत्यु हो गई, बहन की मृत्यु हो गई और अन्य लोग रो रहे थे, तो अब रोना तो होता ही है, आगे आपको पता चलेगा कि वहां पर विलाप हो रहा है। तो ग्रहे अन्येषु जनेषु अन्य लोगों में, विलपत्सु एक शब्द यहां पर आया है, और विलपत्सु यहां पर ये मिस हो रहा, ग्रहे अन्येषु जनेषु ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, विलपत्सु ये यहां पर शब्द है। तो घर में अन्य जनों में, बिलपत्सु मतलब रोता हुआ, घर के अन्य लोगों को रोता हुआ इन्होंने पाया। तो अयम मतलब इस संसारस्य, संसार की, कि किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है, ये उन्होंने पाया, ये उन्होंने समझा। तो जब उन्होंने ये समझा कि कभी भी मौत हो सकती है, हम लोग इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ सीखते हैं, पर कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं, तो उनके मन में ये चीजें आई, बातें आई। तो ग्रहे अन्येषु जनेषु बिलपत्सु, घर में अन्य लोगों को रोता हुआ जान करके, अयम संसारस्य अनित्यतां विचारयन, मतलब उन्होंने इस संसारस्य में षष्ठी विभक्ति है, संसार की अनित्यतां, द्वितीय विभक्ति अनित्यता को विचारयन, विचारयन में कौन सा प्रत्यय है, नवमी में पढ़ा होगा, सत्री प्रत्यय, सती प्रत्यय अंत में आधा ना होता, मतलब विचारते हुए, सोचते हुए, क्या सोचते हुए, अनित्यताम। तो घर में अन्य लोगों को रोता हुआ पाया, तो अयम संसारस्य, इस संसार की अनित्यताम अर्थात अनित्यता को विचारयन अर्थात विचार करते हुए क्या किया, कथम अहम अमरो भवेयम, ये उन्होंने सोचा। पर मैं आपको एक कथम अहम शब्द आपने तो सुना नहीं होगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूं तो आप क्लियर कर लेंगे, कथम धन अहम, कथम मतलब कैसे और अहम मतलब मैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कथम अहम। तो अनित्यता को विचार करते हुए कथम अहम, कैसे मैं अमरह, अमरो लिख दिया, संधि हो गई यहां पर विसर्ग संधि, कैसे मैं अमरो मतलब अमर, भवेय मतलब हूं, मैं अमर कैसे हूं, ऐसा वो विचारयन, विचार करते हुए क्या विचार किया उन्होंने, पहले तो ये लिख रहा है कि अयम संसारस अनित्यतां विचारयन,
इस संसार की अनित्यता को विचारयन मतलब विचार करते हुए कथम अहम अमरो भवेयम कैसे मैं अमर हूं इति चिंतयामास, ऐसा उन्होंने सोचा। किन्होंने सोचा? महर्षि दयानंद ने। अनित्यताम विचारयन, अनित्यता को मतलब इस संसार की असारता को, अनित्य मतलब कहता है जो शाश्वत नहीं है, जिसका कभी भी अंत हो सकता है वो कहलाता अनित्य। तो संसार की अनित्यता को विचारयन मतलब सोचते हुए विचार करते हुए उन्होंने क्या सोचा कि कथम अहम अमरो भयम, कभी भी कोई मर सकता है पर मैं अमर कैसे हूं, ऐसा इति चिंतयामास, ऐसा उन्होंने सोचा। और ऐसा उन्होंने सोचते हुए एकस्मिन दिने मतलब एक दिन, एकस्मिन में सप्तमी विभक्ति है क्योंकि ये एकस्मिन किसका विशेषण है, दिन का, तो दिन में, एक दिन में या एक दिन ऐसा कर सकते हैं, समय के हिसाब सप्तमी आती है, तो एक दिन कौन, मूल शंकर, मूल शंकर नाम ही मूल शंकर है, यहां हमने पढ़ा होगा आज से जन्म नाम मूल शंकर, किसका जन्म नाम, महर्षि दयानंद का जन्म नाम मूल शंकर। तो एक दिन मूल शंकर मतलब मूल शंकर सहसैव, ये क्या शब्द है, यहां पर भी दो शब्द हैं, सहसा धन एव, तो एक दिन मूल शंकर सहसा धन एव, वृद्धि संधि हो गई, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं आपको और डिटेल में फ्री संधि बताऊंगा। सहसा धन एव, और आई मिला, और ए मिला तो बन गया आई, सहसा ही बन गया, तो एक दिन मूल शंकर ने सहसा एव, सहसा ही अचानक ही स्वग्रहम, स्वग्रहम मतलब अपने घर को, अब यहां पर भी दो शब्द हैं, स्वग्रहम ये लिखा गृहम, ठीक है ना, ग्रहम के बाद आया आत्यजत, तो अपने ग्रहम मतलब द्वितीय विभक्ति, आत्यजत मतलब छोड़ा लंग लकार, तो एक दिन मूल शंकर अर्थात प्रथम विभक्ति है मूल शंकर ने सहसैव अचानक ही स्वग्रहम अपने घर को अत्यजत मतलब छोड़ दिया, जो उनका जहां उनका जन्म हुआ था उस घर को उन्होंने क्या कर दिया, अत्यजत लंग लकार है ना, तो अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया, किन्होंने छोड़ दिया, मूल शंकर ने। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, जो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं और याद भी होने चाहिए। सर्वप्रथम महर्षि दयानंदस्य जन्म नाम किम, महर्षि दयानंदस्य जन्म नाम किम, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न, महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन प्रदेशे, फिर से समझना, दयानंदस्य जन्म कस्मिन प्रदेशे अभवत, किस प्रदेश में हुआ, और उसी का आंसर मैंने आपको ये भी बताया था कि गुर्जर प्रदेश वर्तमान में कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। एक और प्रश्न है, दो प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न, महर्षि दयानंदस्य जन्म यस्य नाम मूल शंकर आसीत, जन्म नाम, तो महर्षि दयानंदस्य जन्म कदा अभवत, कब हुआ, कदा मतलब कब, अभवत मतलब हुआ, कब हुआ, यह आपको बताना है, ठीक है। अगला आपको महर्षि दयानंदस्य गृहस्थ जीवने, देखो यहां उन्होंने स्वग्रहम आत्यजत अपने घर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो अब वो गृहस्थ जीवन में नहीं रहे, जब तक वो घर में रहते थे तब तक गृहस्थ थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, तो जन्म से लेकर घर में रहने तक, ये बात कर रहा हूं मैं, और पाठ में जिनका नाम बताया, तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, महर्षि दयानंदस्य अर्थात मूल शंकरस्य गृहस्थ जीवने, मूल शंकर के गृहस्थ जीवन में कस्य मृत्यु अभवत, किसकी मौत हुई, या कौन स्वर्ग गया, उनके सामने कौन स्वर्ग गया, दो नाम है आपको बताने हैं, इसके साथ साथ पितृव्यह मतलब क्या होता है ये बताना है, और कुछ शब्द हैं जिनकी आपको विभक्ति और प्रत्यय बताने हैं, तो परिवारे में कौन सी विभक्ति है ये बताना है, और साथ ही साथ एक और विभक्ति आपको बतानी है, वो है महर्षे, यहाँ लिखा ही हुआ है तो आप बता ही देंगे, तो दूसरा कुछ पूछ लेते हैं, है ना, अनित्यताम इसमें कौन सी विभक्ति है, अनित्यताम में ये बताइएगा आप, अनित्यताम में कौन सी विभक्ति है, इस प्रकार से अन्येषु जनेषु, इन दोनों शब्दों में कौन सी विभक्ति है, ये विभक्ति बताएंगे,
ये तो हुआ विभक्ति का मुद्दा। अब हम देखते हैं कि आपको प्रत्यय भी बताना है कुछ शब्दों में। तो जैसे एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है विचारयन, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? मैंने क्लास पढ़ाते हुए आपको बताया था विचारयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। इसके साथ साथ गता जो यहां पर लिखा हुआ है, गता शब्द में भी कौन सा प्रत्यय है, तो दो शब्दों का आप प्रत्यय बताएंगे। साथ ही साथ हमने देखा विभक्ति प्रत्यय। अब मैं आपसे संधि पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले एक संधि यहां देख लेते हैं, चाश्च में कौन सी संधि है ये बताइएगा। और यहां पर विंशति धन उत्तर धन अष्टादश, यहां पर दो संधि इस शब्द में, विंशतितर इसमें है और उत्तरादश उत्तराष्टादश यहां पर भी संधि है। तो इस शब्द में कौन कौन सी संधि है ये बताने का प्रयास करना है, है ना। और एक सहसैव इसमें कौन सी संधि है ये बताने का प्रयास करना है। तो आपको विभक्ति में पूछा, अनित्यताम में कौन सी विभक्ति है, और इसके साथ साथ महर्षि में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति के दो हो गए। विभक्ति के बाद हमने चर्चा करी प्रत्यय की, तो प्रत्यय में आपने बताना है गता में कौन सा प्रत्यय है और विचारेण में कौन सा प्रत्यय है। तीसरी बात संधि में पूछा, तो संधि में आपको विंशतितराष्टादश सप्तमी और साथ ही साथ सहसैव में कौन सी संधि है ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर इसके बाद जो भी बात आपको समझ में नहीं आई हो वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको कल बता दूंगा। आज के लिए सभी को नमन।